जबलपुर के आधारताल में यातायात ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। कैमरे को देखकर ही समझा जा सकता है कि किसी भी बड़ी घटना के दौरान पुलिस की सहायता करने वाला सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा होता है, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान और पता साझी की जाती है। इसके साथ ही टूटे कैमरे देखकर क्षेत्र के असामाजिक तत्व तो बेखौफ हो जाते हैं। क्षेत्रीय जन बताते हैं यह कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं यातायात मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों के खराब हो जाने के बाद यहां मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। वहीं यातायात का उल्लंघन करने वालों की जानकारी देने वाला सीसीटीवी कैमरा खराब होने के चलते चालानी कार्यवाही में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनों ने आला अधिकारियों से तत्काल इन सीसीटीवी कैमरों को सुधारने की मांग की है, ताकि चौकस कैमरे कानून व्यवस्था बनाने में सहायक हो सके। आधारताल तिराहे पर काफी समय से कैमरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। चालान तो बहुत होते हैं, यातायात इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जब कोई असामाजिक तत्व घटना करके भाग जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस ओर ध्यान दिया जाए और मेंटेनेंस किया जाए, जहाँ तहाँ सुधार किया जाए इसका। ये जो अपना कैमरा लगा है वो कब से टूटा है? काफ़ी लंबे समय से, 4-5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कहाँ का आधारताल चौक? बिल्कुल तिराहे पे लगे हुए हैं। एक कैमरे की स्थिति नहीं, सारे कैमरे खराब हैं। कुछ तो फूट गए हैं, गिरने की स्थिति में है, और कुछ की स्थिति ये है लगे भर है 100 पीस के लिए, बट नॉट डूइंग वर्क। जब प्रॉपर वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब लगा? आपको लगता है कि जो शासन प्रशासन यातायात विभाग है लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है, फिर इस तरीके का जो कैमरे का टूटा होना क्यों नहीं समझ में आता, क्यों नहीं दिखा? यह तो बहुत बड़ी लापरवाही का प्रश्न है। चालानी कार्रवाई आप करते हैं और जो भाग जाते हैं अपराधी उनको कैसे पकड़ेंगे? बाकी चालानी कार्रवाई तो आपने सीधे साधे इंसानों को पकड़ के उनके घर चालान पहुँचा दिया, माध्यम से भी चालान पहुंचा दिया, लेकिन अपराधियों को किस माध्यम से पहुंचाएंगे? आज आपका कैमरा ही टूटा है। नाम बताओ। एडवोकेट कैलाश नाम दो, आधारताल तिराहा।